Dear students, now globalization and economic manifestation, very important question. Maashi mazhar, economic manifestation. Globalization ke maashi aur iqtisadi haqaiq puri waziya nahi hai. लेकिन इसके बारे में असली बहस और मुबासे में इस मखसूस जात का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी तारीफ की जा सकती है, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा किरदार है। उनके अलावा दीगर किरदार भी शामिल है। इसके लिए समझने का वसी तरीका यह है कि इसे मुनाफा की तकसीम के एतबार से देखा जाए, यानी किसने ज्यादा पाया और किसने कम पाया। ग्लोबलाइजेशन आम तौर पर मुल्कों के दरमियान जारी इक्तिसादी लेन देन पर मुश्तमिल है। यह लेन देन कुछ रजाकाराना और कुछ ताकतवर मुल्कों की जानिब से थोपे गए हैं। ये धाराएं मुख्तलिफ रूप इख्तियार करती हैं, जैसे सामान्य तिजारत, सरमाया, लोग और नजरियात। इसमें सामान की सबसे ज्यादा तिजारत होती है। कुछ मुल्कों ने दरामदात की पाबंदियां किसी हद तक हल्का कर दी है। सरमाया पर लगी पाबंदियों को कम किया गया है। मतलब सिर्फ ये कि दौलतमंद मुल्कों के सरमायाकार अपने मुल्कों के अलावा दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी कर सकते हैं। फ्री इकोनॉमिक जोन का फायदा उठाया जा रहा है। इसने नजरियात ख्यालात के बहाव को कौमी सरहदों से बिल्कुल बाहर निकलने का मौका दिया है। इंटरनेट और कंप्यूटर ने इसमें अहम रोल अदा किया, जो इसकी मिसालें हैं। लोगों के आने जाने में इजाफा लेकिन न हुआ, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक ने सरहदों की हिफाजत वीजा पॉलिसियों से की है और इस पर भी सख्त ख्याल रखा गया है कि दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग उनके आम का रोजगार न छीन लें। पॉलिसियों के नतायज हर जगह यकसान नहीं होते हैं। जो मिलती जुलती पॉलिसियां अपनाई गई हैं उनके नतायज हर जगह अलग अलग रहे। एक आम उसूल या जाबिते की तवक्का नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुख्तलिफ जगहों के हालात पेश नजर रखने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के अंदर जबरदस्त इख्तलाफ राय पैदा कर दिया है। इसके हामी, जो कि इसके हक में है, रियासतों के दूर रहने से फिक्रमंद है। उनके ख्याल में इसे दूर रहने से एक छोटा हिस्सा मुस्तफीद हो सकता है, लेकिन अक्सर जो हुकूमत पर इंतजार करते थे उनको मजीद गुर्बत में मुब्तला होना पड़ेगा। तालीम और सेहत इसकी मिसालें हैं। वो लोग इक्तिसादी तौर पर पसमानदा लोगों के लिए हिफाजती जाल, सेफ्टी नेट्स के मुतमनी है और इदाराती तहफुज की यकीन दहानी के हामिल है। दुनिया भर में बहुत सारी तहरीकें यह महसूस करती है कि हिफाजती जाल यानी सेफ्टी नेट्स नाकाफी है या काम करने के लायक नहीं है। ये तहरीकें जबरी माशी आलमगीरियत पर रोक लगाने पर जोर देते हैं, क्योंकि
गरीब ममालिक पर इसके असरात तबाकुन होंगे। कुछ माहिरी ने माशी आलमगीरियत को, ग्लोबलाइजेशन को नए सिरे से नव आबादकारी रिकॉलोनाइजेशन से ताबीर किया है। डियर स्टूडेंट्स, माशी आलमगीरियत के हामियों की दलील यह है कि इससे माशी फरोग में तेजी आती है। यह कि दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से के लिए फलाव राहत का सबब बनती है। यह कि मुल्कों के दरमियान ज्यादा तिजारत होने की वजह से हर मुल्क अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, इसे दुनिया को फायदा पहुंचता है। यह कि माशी आलमगीरियत, दैट्स ग्लोबलाइजेशन, नागजीर है और तारीख के इर्तिका को रोकना गैर दानिशमंदी है। आलमगीरियत ग्लोबलाइजेशन के एतदाल पसंद हामियों का ख्याल है कि ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज फराहम करती है जिसका जवाब जहानत के साथ इसे बिला तनकीद कबूल न करना चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में आई हुई हुकूमतों, कारोबारों और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम के दरमियान एक दूसरे से यकजहती और बाहमी इनसार की बढ़ती हुई रफ्तार है। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस हाई इन्फ्लेशन रेट्स इन वेस्टर्न इकोनॉमीज, गिविंग कंज्यूमर्स मोर बैंग फॉर द बक। It has increased real wages by lowering the cost of consumption. Globalization ने मगरबी मयशुत में अफरात जर की शरह को कम करने में मदद की, जिससे सार्फीन को पैसे की ज्यादा कीमत, बैंक फॉर द बक, मिल गया। इसने खफत की लागत को कम करके हकीकी उजरत में इजाफा किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंपॉर्टेंट मौजू इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन के हवाले से हमने ये उम्दा इंफॉर्मेशन शेयर की है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल इंशाल्लाह बी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन। वेट एंड वॉच। अस्सलामु अलैकुम।